हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि उसने बाकी सुना है, प्रोड्यूसर्स को बहुत तंग किया। मुझे तंग इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी फिल्म में उसका बाप काम कर रहा था जिसका नाम है धर्मेंद्र जी। और धर्मेंद्र के सामने पवन सिंह की औकात नहीं है कि लेट आए या नखरे दिखाए वहाँ पे जी। और जो अक्षरा ने एयरपोर्ट्स का जो जिक्र किया है कि हाथ जोड़ती थी सिक्योरिटी वालों से और इनसे उनसे, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हैदराबाद जा रहे थे हम लोग देश प्रदेश के आउटडोर की शूटिंग के लिए, मोनालिसा भी थी वहाँ पे, और जिस तरीके से इसने शराब पी के मिसबिहेव किया, बॉम्बे जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज थी उन्होंने इसको बोर्ड करने से मना कर दिया। आप यकीन करेंगे कि लिटरली अक्षरा जो बोल रही है बिल्कुल सही है, मुझे सिक्योरिटी वालों के सामने जाके हाथ जोड़ने पड़े कि प्लीज़ इसको बोर्ड करने दीजिए क्योंकि इसका कुछ नहीं जाएगा, नुकसान मेरा होगा, मेरी शूटिंग नहीं होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस था पवन सिंह के साथ। इंडस्ट्री में लॉबी होने की बात अक्षरा सिंह ने कही है, इस बात से कितना आप सहमत हैं? मैं कहता हूँ जी 100 लॉबी खड़ी हो जाएं, 100 लोग खड़े हो जाएं आपके खिलाफ, आप एक हुजूम बना लीजिए, भले 135 करोड़ लोगों का जो पूरी देश की आबादी है, लेकिन एक औरत जब खड़ी होती है ना कोर्ट के अंदर तो सब के सब जीरो हो जाते हैं, क्योंकि लॉ जो है वो टोटली अक्षरा के साथ है। बाकी लोग जितना शोरगुल करना है करें, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक बात मैं लास्ट बोलूंगा अक्षरा से कि अक्षरा सिंह तुम कंगना रनावत तो बनी हो, लेकिन एक चीज बोलूं, कंगना रनावत के साथ ये सब चीजें हुई होती तो उसने पहले दिन आवाज उठाई होती, जबकि तुमने महीनों सालों सहा है और तब आवाज उठाई है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।